अब बात कर रहे हैं हम नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग। एक्चुअल में तो अब हमारा अब स्टार्ट होता है आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग देखो, मैं इस आईयूपीएससी नेमिंग को मैं कैसे पढ़ा रहा हूं वो आपको एक बार फ्लो चार्ट में समझा देता हूं। मैं आपको तीन पार्ट में नेमिंग कराऊंगा आईयूपीएससी नेमिंग। पहले ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड, कंपाउंड नेमिंग, ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा। फिर मैं आपको इसके अंदर ओपन अनसेचुरेटेड कंपाउंड नेमिंग कराऊंगा। सही है। फिर उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड नेमिंग, साइक्लिक कंपाउंड नेमिंग, फिर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप ग्रुप नेमिंग कराऊंगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बेंजीन कंपाउंड यानी बेंजेनोइड, जिसके अंदर भी बेंजीन होती है, बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजेनोइड कंपाउंड नेमिंग नेमिंग कराऊंगा जिसमें आपके सारे आ जाएंगे बेंजीन, फिनोल, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, उनकी नेमिंग। फिर उसके बाद बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड नेमिंग। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा इसका, बीच बीच में जरूरत पड़ जाती है। ये हमारे पास रहेगा मेन। दूसरा पॉइंट, हम जब भी कोई नेमिंग करेंगे तो हमारा बेसिक क्या रहेगा उसके एक आइडिया हमारे को लेना चाहिए पड़ेगा कि बेसिक हम कैसे रखेंगे, यानी आईयूपीएससी नेमिंग हमारे पास कैसे रहेगी। देखिए, आपको इतना तो मैंने पहले भी आइडिया दे दिया था कि हमारे पास लगभग 10 लाख से ज़्यादा आयु ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें आईयूपीएससी नेमिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम इन सबको एक साथ याद नहीं कर सकते, इनके नेम कॉमन नेम तो। और आईयूपीएससी नेमिंग टाइम टू टाइम अपग्रेड हुई है, उन्हें और ऐसे मेथड को लाया जा रहा है जिसमें वो आसान बन सके और आसान बन सके और आसान बन सके। तो आसान करते हैं, इतना तो आपको मालूम ही है आईयूपीएससी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो अप धीरे धीरे अपडेट हो रही है, अपग्रेड हो रही है कि आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो कुछ रूल्स समय के साथ चेंज हो रहे हैं, हर 4 साल में इसकी मीटिंग होती है और रूल्स को थोड़ा ईजी किया जा रहा है, तो हम लेटेस्ट पढ़ते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहले जब नेमिंग होती है तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ मिडल पार्ट से, यानी कि रूट, वर्ड रूट से, वर्ड रूट से हमारी नेमिंग स्टार्ट होगी। ये अपने आप में शो करता है कितने नंबर कार्बन है। ठीक है, इस तरफ आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, प्रेफिक्स का मतलब पहले आना वाला प्रेफिक्स, और इस तरफ आता है प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स यानी सफिक्स का मतलब होता है बाद में आने वाला। ठीक है, यहां आता है सेकेंडरी सफिक्स, यानी प्राइमरी सफिक्स के भी बाद में आने वाला। ठीक है, और यहां आता है हमारे पास सेकेंडरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स। तो जब मैं आईयूपीएससी नेमिंग देखता हूं तो मेरा मेन टारगेट तो होता है ये वर्ड रूट, ये तो जरूरी है, बाकी और कुछ हो या ना हो। ठीक है ना, और इसमें आता है कौन से, शो द नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है मैथ, दो कार्बन है एथ, तो ये क्या शो करेगा, अलग से लिखते हैं अपन, पहले तो ये समझ में आ गया। तो एक बेसिक सा आइडिया तो है, शो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन,
कार्बन कि कितने कार्बन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में? एक है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हॉक, नॉन, डेक। फिर डेक का मतलब हो गया 10। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरह से चलता है। तो ये हमारे को वर्ड रूट में आइडिया देगा। फिर प्राइमरी सफिक्स, भाई आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो एल्केन है तो एन या इन या आइन, ये हमारे होता है प्राइमरी सफिक्स। इसकी भी जरूरत होती है, यानी कोई भी कंपाउंड है तो हमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की तो जरूरत है बस, बाकी और सब ऑप्शन में है। अगर कोई लोकेंट है, लोकेंट का मतलब साइड चेन, लोकेंट, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ही वर्ड है, लोकेंट, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कोई भी हो सकता है साइड चेन, मिथाइल, इथाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हेलो हो सकता है, हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो हो सकता है, NO2, और नाइट्रोस हो सकता है यानी NO। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको और आगे डेप्थ में मेरे से ही पढ़ेंगे। कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल वगैरह, हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो NO2 और नाइट्रोसो NO। सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके अंदर अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पायरो है, ये सब हम देखते हैं। तो साइक्लिक है तो साइक्लो या साइक्लिक, बाईसाइक्लिक वगैरह हम यूज करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH है, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स, यानी शो द फंक्शनल ग्रुप। FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा मेन टारगेट अभी जो है, जब मैं नेमिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं करूंगा स्टार्टिंग, सबसे पहले इसको लूंगा मैं, ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में वर्ड रूट तो हो गई, यहां सिर्फ एल्केन होगा और यहां पर प्राइमरी प्रेफिक्स होंगे, तो हमारे लिए 1, 2, 3 होंगे। जब मैं सेकंड नंबर पे आऊंगा ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड, एन के अलावा यहां पर क्या हो सकता है, इन और आइन भी आ जाएगा। जब मैं साइक्लिक कंपाउंड में आऊंगा तो यहां साइक्लिक वर्ड आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी प्रेफिक्स का भी यूज करूंगा, और मैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करूंगा तो ये भी मेरे पास आ जाएगा। ये थोड़े अलग केस है, तो आपको IUPAC नेमिंग बहुत आसान लगेगी, एक एक करके हम करते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया, कोई ऐसी चीज जो आपको पूछना है? ठीक है, तो हेडिंग डली चुकी डल जानी चाहिए, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला पॉइंट रहेगा नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी हमारे दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि अभी तक हमारे को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ चेन। तो लिखिए यहाँ पर, सबसे पहला काम रहेगा कि जो भी हमें हाइड्रोकार्बन हो उसका हमें चेन सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। देखिए यहां हमारा पास फर्स्ट पॉइंट होगा, आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो सेलेक्ट द चेन, इसके अंदर लिख सकते हैं जैसा मैं लिख रहा हूं, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, यानी कि आर प्रेजेंट, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन रूल बोल सकते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से,
कौन सी चेन हमारे लिए बड़ी हो रही है वो हम देखते हैं। अगर हमने मान लिया ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी 6 7 8, यानी दोनों बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ 9, तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी? सोच के देखें, जिसमें ज़्यादा आपके पास कार्बन आ रहे हैं वो, तो हमारी मेन चेन होगी ये। क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, बस इतना सा आपको लिखना है, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग वाला काम नहीं है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला काम ये है। समझ में आ रही है बात? तो लिखिए मेरे साथ ही, लिखते जाएं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है, केस सेकंड, कि आपके पास नंबरिंग कर रहे हैं आप और आपके पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, दो ऑप्शन कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर भी 6 7 8, दो बन रहे हैं। लेकिन उस कंडीशन में कि हम दोनों तरफ बराबर एटम है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, बात बराबर है, आइडेंटिकल बनेगा। लेकिन इसमें एक साइड चेन भी आ गया, समझ में आ रहा है? तो पहले क्या देखोगे आप? लॉन्गेस्ट चेन, और उसके बाद देखोगे वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लॉकेट प्रेजेंट हो। तो सेकंड रूल क्या होगा? इफ टू और मोर चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ, लिखते जाए इसको, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन, देन सेलेक्ट द चेन विच कंटेनिंग मोर साइड चेन, मोर साइड चेन। यानी हमें अब इस कंडीशन में वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें साइड चेन ज्यादा हो, यानी कुछ इस तरह की। ये हमारे लिए होगी, सही है? लेकिन इसके बाद भी एक और पॉइंट आता है कि अगर ऐसा हुआ, थर्ड पॉइंट, कि आपने दो चेन सेलेक्ट करी है, दोनों में साइड चेन भी बराबर है, लॉन्गेस्ट भी बराबर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फिर थर्ड पॉइंट होगा कि अगर साइड चेन बराबर है तो जिसमें साइड चेन पहले आ रही है उसको प्रायोरिटी देंगे थर्ड नंबर पे। इफ अबाउ पॉइंट्स आर सेम, अबाउ पॉइंट्स आर सेम, देन सेलेक्ट दोस चेन विच कं इन विच साइड चेन को आप क्या बोल सकते हो? लॉकेंड भी बोल सकते हो, सब्सिट्यूएंट भी बोल सकते हो। साइड चेन कम फर्स्ट, यानी अगर हम यहां पर बात करें यहां पर 1 2 3 पोजीशन पे, जबकि यहां पर 2 पर ही है, तो देखिएगा नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने नंबरिंग रूल नहीं देखा है, ठीक है ना? लेकिन ये है कि इसके अंदर हमारे लिए वन टू थ्री पे आ रहा है, जबकि अगर ये चेन हम ये सेलेक्ट करते इस तरफ, ये सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहला पॉइंट सेम है, साइड चेन दोनों में एक, ये भी सेम है। लेकिन यहां पर नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे लिए कौन सी सही रहेगी? ये, क्योंकि इसमें साइड चेन यानी मिथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, सही है? और अगर ये भी सेम हो रहा है, मिथाइल ग्रुप या साइड चेन भी सेम आ रही है, तो फिर या तो वो आइडेंटिकल होंगे या फिर हमें ये देखना होगा कि
कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, जैसे मिथाइल और इथाइल, ई पहले आता है तो अल्फाबेटिक रूल लगेगा। तो अल्फाबेटिक का मतलब है हमारे लिए कि अल्फाबेटिकली जो पहले करेक्टर आता है वो सीनियर होता है। तो दोस्तों हम इतने सारे रूल को एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, तो उसके लिए हमारे लिए गुरु मंत्र, हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी ये ग्रेटर साइन लगा दिया, प्रायोरिटी ऑर्डर है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ साइड चेन, फिर उसके बाद अल्फाबेटिक, ऑर्डर, यानी यहां तक हमारा काम चल जाएगा। किसके लिए? सैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं हम, उसके लिए, अनसैचुरेटेड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। लिखें इसको, बात करते हैं नंबरिंग रूल, यानी हमें चेन को नंबर देना अब जरूरी है। तो हेडिंग डालेगा नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल। हमने चेन सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें नंबर स्टार्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन का। तो लॉन्गेस्ट चेन का नंबर कहां से स्टार्ट करोगे? वैसे तो दोनों चेन सबसे बड़ी होगी, वो तो हम सेलेक्ट कर चुके। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग रूल अगर देखता हूं तो मेरे लिए सबसे पहले होता है कि लोकेंड कहां से पहले पास पड़े। तो सबसे पहला पोजीशन होता है पोजीशन ऑफ लोकेंड, लोकेंड का मतलब वही साइड चेन। ये मेरा पोजीशन रूल हो गया, मतलब जहां से लोकेंड पहले पास आ जाए। अगर लोकेंड दोनों जगह से बराबर आ रहा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। इन दो से मेरा काम चल जाएगा, सही है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। नंबरिंग रूल में हमारे को सिर्फ ये पॉइंट ही देखना है, पोजीशन ऑफ लोकेंड, अल्फाबेटिक ऑर्डर, सही है। क्योंकि अभी तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड यानी इन और आइन तो होंगे नहीं, फंक्शन ग्रुप होंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़ी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग रहे, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट हमारे पास रह गया नेमिंग ऑफ, नेमिंग, नेमिंग रूल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके लिए मेरे पास क्या होगा, सिर्फ वर्ड रूट प्लस, इधर भी प्लस, इधर प्राइमरी प्रेफिक्स और यहां प्राइमरी सफिक्स, इसी की जरूरत पड़ेगी। वर्ड रूट में आपके पास हो जाएंगे मैथ एथ मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स ऑक्ट नॉन डेक, और यहां आ जाएगा आपके पास एन, फिक्स है ये, और यहां आपके पास आ जाएगा लोकेंड नेम, लोकेंड नेम। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला करते जाएं आप जल्दी जल्दी, मैं शुरुआत में इजी एग्जाम्पल लूंगा। ईटी का मतलब है इथाइल, सही है, और एमई का मतलब है मिथाइल, एमई का मतलब है मिथाइल।
कीजिए, इन सब की नेमिंग आप ही करिए पहले एक बार। चार एग्जांपल है, चारों सही कर दीजिए। देखिए यहाँ हमारे पास पोजीशंस हमारे पास आ रही थी 1 2 3 4 5, सही है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, सेकंड पे क्लोरो है, पोजीशन लिखेंगे। ध्यान से रुकिए, सुनिएगा, जब भी मैथ्स इंग्लिश के साथ मिले डैश, इंग्लिश इंग्लिश के साथ मिले कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू मिलाते हुए चलो, ठीक है ना। तो 2 क्लोरो, बाकी तो आप कर ही सकते हो, 2 क्लोरो पेंट और पेंटेन, सिंपल है, 2 क्लोरो पेंटेन। यहां पर इस कंपाउंड्स को आप थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि ईटी हमें परेशान करता है अक्सर, और वो भी तब जब वो उसकी पोजीशन 2 हो। देखो कैसे, आप पहले इस कंपाउंड्स को देखोगे तो आपको अपने आप ही फील आ जाएगा, ये है ईटी यानी C2H5, समझ में आ रही है बात, और ये है एमई। तो हमें अब ईटी दिखाई नहीं दे रहा, हमारे को क्या दिखाई देगा, एमई। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 2 पोजीशन पे, इधर से करते हैं तो 3 पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखो, मैंने पहले ही कहा था दिखने के इजी होते, अदरवाइज टफ तो होगा कुछ ना कुछ। तो हमारे लिए हो जाएगा 2, मैथ्स मैथ्स के साथ जब भी मिले, मैथ्स मैथ्स के साथ, तो कॉमा 2 कॉमा 5 2 कॉमा 5। अगर मिथाइल ग्रुप एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल, 3 हो ट्राई, तो हमारे लिए हो जाएगा 2 कॉमा 5 डैश, पहला कैपिटल बाकी सब छोटे, डाई मिथाइल, कंटिन्यू लिखना है हमारे को, डाई मिथाइल हैप्टेन, सो इजी, 2 कॉमा 5 डाई मिथाइल हैप्टेन। इस तरफ देखते हैं, या अगर मैं चेन सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जाएगी तो इस तरफ या इस तरफ। तो देखा जाए तो ये दोनों मेरे लिए आइडेंटिकल है, क्योंकि यहां से भी अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 और 1 2 3, बिल्कुल आइडेंटिकल है, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, सेम पोजीशन है। वो तो तब हमारे को फायदा होता जब एमई यहां की जगह यहां होता, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते पूरा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, क्योंकि यहां से मिथाइल पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, तो यहां पर ये हो गया, लेकिन 3 पे मिथाइल है। अब ये जो 4 पर है, ये हो गया साइड चेन का भी साइड चेन, ये जो एमई है ये साइड चेन की भी साइड चेन है, यानी हमें एक और हेडिंग डालना पड़ेगा इसके बाद, नेमिंग ऑफ साइड चेन, जो कि बहुत टफ नहीं है, इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। साइड चेन की नंबरिंग भी करनी पड़ती है, और साइड चेन की नंबरिंग करते वक्त हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं कर रखना है, जहां से ये अटैच्ड हो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, भले ही यहां पर मिथाइल पहले आए या बाद में आए, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां से ये साइड चेन चिपक रही है। बहुत बड़ा पेड़ है, उससे कोई उसकी शाखा लटकी हुई है, तो बस वो शाखा से जो पहला पत्ता होगा वो नंबरिंग 1 2 3 वैसे ही चलेगा, इज दैट क्लियर। तो यहां पर 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट, नेमिंग ऑफ साइड चेन हमारा डालेगा अगला हेडिंग, और उससे पहले एक और रूल हमारा लगेगा, नंबर ऑफ समेशन रूल, समेशन रूल भी लगेगा। तो 2 पॉइंट्स और मुझे डिस्कस करने इसी टॉपिक के अंदर, फिलहाल तो ये बहुत आसान हो गया। क्या नाम आएगा इसका, इस साइड चेन के लिए मुझे पूरा तरीके से जाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इसको बोल देता हूं, 3-मिथाइल, फिर उसके बाद 4। साइड चेन का जब भी हम नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रैकेट बनाएंगे, साइड चेन की नेमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको पोजीशन, 1-मिथाइल, 1-मिथाइल, 1 2 3, 3 से क्या बनेगा, प्रोपाइल, 1-मिथाइल
प्रोफाइल ब्रैकेट क्लोज, इसका काम भी खत्म हो गया, साइड चेन की नेमिंग भी खत्म हो गई। तो आपने साइड चेन की नेमिंग थोड़ा थोड़ा सीखा होगा मुझसे, आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझते जाएंगे। वन मिथाइल और फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप, जबकि ये क्या है आपके लिए, थ्री मिथाइल, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद आठ कार्बन है, तो आठ कार्बन होते ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। सो इजी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस तरफ देख लीजिए, वन टू नंबरिंग करेंगे, सबसे लॉन्ग चेन देखेंगे, सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हमारे पास है। और किसी में आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नहीं। तो सबसे लॉन्ग चेन आपकी जो दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह की हो रही है, और दोनों ही पोजिशन आइडेंटिकल है, तो इसलिए नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो सिक्स, फोर और सिक्स पे इथाइल है, तो आप क्या लिखेंगे इसका नाम, फोर कॉमा सिक्स डाई इथाइल, डाई इथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम हो गया, फोर कॉमा सिक्स डाई इथाइल ऑक्टेन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एनी डाउट, नो है क्या कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो हमारा आंसर नॉन एन होगा। इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है। तो एक और पॉइंट हमारे पास यहां पर आ रहा था, जब हम नेमिंग कर रहे थे तो प्राइमरी प्रेफिक्स लॉकेंड नेम हम पहले लिख रहे थे, लेकिन अगर एक से ज्यादा लॉकेंड है तो क्या करोगे आप, पोजीशन तो है, अल्फाबेटिक जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो नेमिंग में लॉकेंड के साथ भी आप यहां पर लिखेंगे इस जगह, अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, नेमिंग करते वक्त, यानी इथाइल की पोजीशन भले ही फोर हो या फाइव हो, मिथाइल की पोजीशन भले ही टू क्यों नहीं हो, ई पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिक। अब आप देखो इन दोनों में एम एम कॉमन था, ये मिथाइल पे खत्म हो गया, ये मिथाइल के बाद पी भी आ रहा है, तो कौन ज्यादा सीनियर है अल्फाबेटिक, मिथाइल, तो इसलिए मैंने मिथाइल पहले लिखा, समझ में आ रही है बात। तो यहां सीनियरिटी आ रही है, अगर यहां इथाइल प्रोपाइल होता तो ई पहले आता, मैं पहले वो लिखता, क्या लिखता मैं, फोर डैश वन इथाइल प्रोपाइल और फिर थ्री मिथाइल लिखता, बात को पकड़ो आप, इज दैट क्लियर। तो ये चीज आपको एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर हम नए रूल्स लिखेंगे। ये देखिए, क्लोरीन इधर से ब्रोमीन, ये ब्रोमीन यहां लिखा मैंने और क्लोरीन यहां लिखा, ये एग्जांपल फाइव, एग्जांपल सिक्स, एग्जांपल सेवन, सारे एग्जाम्पल बहुत इजी हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। देखो दोनों में साइड चेन सेम है, यानी लोकेंट सेम है, यानी सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से लोकेंट पास हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब आप यहां पर ये चीज आ रही है आपके पास कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, समझना। तो मैंने यहां से तो दोनों तरफ फास्ट था, लेकिन ब्रोमीन की अल्फाबेटिक पोजीशन क्या है, पहले आ रही है, तो ब्रोमीन की तरफ से नेमिंग करिए। यहां पर कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसका नाम क्या होगा, इस जगह टू ब्रोमो सिक्स क्लोरो हैप्टेन, यहां क्या होगा, ब्रोमीन फाइव पर है,
क्लोरीन 2 पर है, इसलिए मैंने क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करी, लेकिन नेमिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा। तो पहले 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो हेप्टेन, यहां ब्रोमीन दो जगह है, क्या होगा 2.6 डाइब्रोमो, डाई ब्रोमो, टू कॉमा सिक्स डाई क्लोरो हैप्टेन, ये हमें देखना होगा। अरे ये बात समझ में, लिखें इसको।